जन जन की आवाज डीएन भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आज सावन का पहला सोमवार है और हम मौजूद है रांची के पहाड़ी मंदिर में। जी हाँ, राजधानी रांची का पहाड़ी मंदिर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं जो मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं, ये जो भोले बाबा का मंदिर है नीचे में, वहाँ पर भी काफी लोग हैं जो धक्का मुक्की करके भी अपना जो भी बाबा को जल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पर। और इस बार जो कोरोना के 2 सालों बाद जब अभी सावन का आज पहला सोमवार है तो काफी भीड़ उमड़ी है, काफी श्रद्धालु आए हैं। वहीं चलिए आपको दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं और आपको वहाँ का भी नजारा दिखाते हैं। तो आइए, वहीं हम आम जनता के साथ भी मौजूद है और उनसे भी जानते हैं कि कितना उत्साह है। 2 सालों के बाद सावन का त्योहार आया है और उसके बाद भोले बाबा का दरबार खुला है। हाँ, बहुत उत्साहित है, जाहिर सी बात है, 2-3 सालों से बंद था और सावन का प्रथम सोमवारी है तो सभी ग्रामवासी जनता लोग बहुत खुश है। इसी उत्साहित हो के हम भी आए हैं, पूजा किए हैं, भोलेनाथ को मना रहे हैं कि आगे जो विपदा हमारे देश पर आया, पूरे दुनिया में आया, उसको कंट्रोल करे भगवान, अब ऐसा ना हो ताकि फिर से मंदिर बंद ना हो और हम लोग खुले आकाश में खुली सांस ले सके। क्या शुभ नाम? रेणुका पासवान। तो आपने देखा कि हमने रेणुका जी से बात किया, काफी कुछ बताया, तो वहीं आप देख सकते हैं कि लोग काफी उत्साह में सेल्फी भी ले रहे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि कितना उत्साह है। बहुत ज्यादा उत्साह है। क्या कहें, पैर दुख गया सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, पैर दर्द हो गया। आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा भीड़ है और जरूर से जरूर आए और दर्शन करके जाएं, बहुत मान्यता है। पहला सोमवारी में बहुत ज़्यादा भीड़ है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो और यहाँ का मनोकामना पूरी हो जाती है जो भी लोग भक्तगण मांगते हैं यहाँ पे। सोमवार के दिन इतना भीड़? सोमवार का दिन ही एक स्पेशल डे माना गया है शिव बाबा के लिए। क्या नाम हुआ? अनादि मंडल। तो आपने देखा कि लोग काफ़ी उत्साह में हैं और कहते हैं कि सोमवार को ही बाबा का पूजा करना उचित है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूजा करने हम लोग आए हैं बहुत दिन के बाद, अच्छा लग रहा है पूजा करके, थोड़ा ज़्यादा भीड़ है लेकिन अच्छा लग रहा है पूजा। तो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है, भक्त हैं जो आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की भी तैनाती की गई है कि कुछ हो नहीं मंदिर में, लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ को लेकर के, और मंदिर में जितनी भीड़ है उस चीज़ को लेकर के भी ये लोग काफ़ी संभालते हैं मंदिर में। आइए इनसे भी बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना है? ये चुनौती तो ऑलरेडी जा पुलिस वाले को होता ही है, कोई चीज़ हो, चाहे मंदिर में हो चाहे कहीं भी कोई चीज़ प्रोग्राम में हो, लेकिन उसको तो संभालना पड़ता ही है। और 2 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद जाके ये चालू है, इसके तो भीड़ तो ऑलरेडी बढ़ेंगे। सैकड़ों श्रद्धालु आए, कैसे संभाले आप? ऑलरेडी प्रशासन की व्यवस्था नहीं, वैसा तो आज नहीं हुए हैं, वो होते हैं लेकिन आज वैसा कुछ नहीं। आज श्रद्धालु लोग भी बहुत मतलब विधिवत आके पूजा की। तो हमने आपको हर कुछ दिखाया, नीचे से लेकर के बाबा के मेन गेट से लेकर के ऊपर बाबा के मंदिर तक का हर कुछ नज़ारा दिखाया। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ी थी, श्रद्धालु थे, सिर्फ आज सोमवार के दिन काफ़ी श्रद्धालु मौजूद रहे और जीएन भारत की टीम बस आप दर्शकों को दिखाने के लिए ये मंदिर में मौजूद रही सुबह से लेकर के, कि आम जनता देख सके, हमारे दर्शक देख सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। रांची से सहयोगी शिखा श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।